टुडे वी विल स्टडी द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 बायो सब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म. All of you are already study about the general process of the reproduction in previous classes. In this chapter, we study about the reproduction process that occurs in among the organism. First of all, what is the need of reproduction? So all of you know that the process of reproduction is that methods by which all organisms produce our own kinds of the offspring. A question raised that what is the need of reproduction? So all of you know that all organisms that are born also die after some period of time. That duration is called the लाइफ स्पैन. हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का ये शाश्वत नियम है, जो जन्म लेता है वह मरता भी है. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं. देखें, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द लाइफ स्पैन. Life span of different organisms are different from each other. For examples, elephant life span 75 years, roach average life span 10 years, dog average life span 25 years, butterfly 1 to 2 weeks only, crow 15 years, banana 25 years, cow 25 years, parrot 140 years, crocodile 60 years, horse 50 years, and rice plant 4 months, whereas wheat and other crop plants 6 months, tortoise average lifespan near about 150 years, banyan tree 300 to 500 years life span, whereas the fruit fly life span is 1 month, mayfly 1 day, rat 4 years, monkey 26 years, and man 100 years. आप सबने देखा कि इसमें सबसे कम लाइफ स्पान मेफ्लाई का और सबसे अधिक जिस एनिमल का लाइफ स्पान है वह है टॉर्टोइस का. ऐसे ही प्लांट के कुछ एग्जाम्पल में आपने देखा कि सीजनेबल प्लांट का लाइफ स्पान सबसे कम होता है. कुछ ग्रासेस हैं जिनका और भी कम होता है. वहीं बनियान ट्री का लाइफ स्पान सबसे अधिक होता है, जिसका 300 से लेकर 500 वर्ष होता है. बच्चों, आप सबको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म का यह जो लाइफ स्पान है यह इनके बॉडी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं क्रो और पैरेट, जिनकी बॉडी साइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इनके बॉडी साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी इनके लाइफ स्पान में बहुत ज़्यादा अंतर है. जहाँ क्रो का लाइफ स्पान ओनली 15 ईयर्स होता है, वहीं पैरेट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स होता है. तो इस प्रकार से हम सब ने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है वह उनके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. अब आते हैं हम कि वह मेथड जिसके द्वारा हर जीव अपने समान नई
ऑफस्प्रिंग नई संततियां उत्पन्न करते हैं अपनी डेथ के पूर्व, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि रिप्रोडक्शन इट मे बी डिफाइंड एज इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस दैट इज देयर ऑफस्प्रिंग विच आर सिमिलर टू इट्सेल्फ। रिप्रोडक्शन इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम प्रिमिटिव टाइप्स। सेकेंड, रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, वेयर एज रिप्रोडक्शन आल्सो क्रिएट वेरिएशन अमंग द पॉपुलेशन। हम सभी जानते हैं कि पॉपुलेशन में जो यह वेरिएशंस है, हर पॉपुलेशन जितना ही ज़्यादा उसमें वेरिएशन होगा, उसकी स्टेबिलिटी, उसके सर्वाइबिलिटी के चांसेस उतने ही अधिक होते हैं। तो अब आता है कि इन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आप देश में सबसे प्रमुख 3 फैक्टर्स हैं। पहला है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट के अनुरूप उनका बिहेवियर डिसाइड होता है, हैबिटेट के अनुरूप उनकी बॉडी डिजाइन होती है, और यह हैबिटेट उनके रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सेकेंड है इनकी इंटरनल फिजियोलॉजी। हर ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी उनके हैबिटेट के अनुरूप डेवलप्ड होती है। तो फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। थर्ड, इन्वायरमेंटल कंडीशंस आल्सो गवर्न द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आप सब जानते हैं कि कैसे ब्रिजो कई ऑर्गेनिज्म एनिमल हैं जिनमें ब्रीडिंग सीजन एक स्पेसिफिक सीजन होता है, ऐसे प्लांट हैं जिनमें ब्रीडिंग सीजन फ्लावरिंग सीजन होता है। तो यह इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती है वह भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करती है। अब हम आते हैं कि हाउ मेनी मेथड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म एडाप्ट टू रिप्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप सब जानते हैं, आप सब ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन के आधार पर यह जो रिप्रोडक्शन है यह 2 प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सब जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में केवल और केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है। मेजर डिफरेंसेस जो हम सब ने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, वह आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि सबसे पहला तो यही अंतर हो गया कि इसमें केवल एक पेरेंट, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तेज होता है, अर्थात इसमें आप ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में कम समय की आवश्यकता होती है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अधिक समय लगता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। फिर देखिए कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह एक दूसरे से सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली जेंटिकली सिमिलर होते हैं, जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेरिएशन बड़े पैमाने पर उत्पन्न होता है, और वेरिएशन ही किसी भी स्पीसीज के इवोल्यूशन में मेजर रोल प्ले करता है। अब हम आते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
प्रोडक्शन ऑफ एंड ऑफ स्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट इज द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वन, विदाउट द, देखो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल पेरेंट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स एंड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. हम सभी जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस की ड्यूरेशन में ही मियासिस डिवीजन होती है, और मियासिस डिवीजन ही वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके ड्यूरेशन में क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के ही परिणाम स्वरूप वेरिएशन क्रिएट होता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है. क्रॉसिंग ओवर के ही फलस्वरूप रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होते हैं, जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में केवल मियासिस सेल डिवीजन होता है, केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जिसके कारण वेरिएशन क्रिएट नहीं होते. यही कारण है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वह क्लोन कहे जाते हैं. ऑफ स्प्रिंग दैट आर जेंटिकली सिमिलर नॉट विथ ईच अदर बट दीयर पेरेंट्स आल्सो, देयर फोर ऑल दीज ऑफ स्प्रिंग आर कॉल्ड क्लोन. अब व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हमने सबसे पहले ही इसके बारे में आपको जब डिफरेंसेस बता रहे थे उसमें से कुछ बताए हैं. तो देखें कि फर्स्ट कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि इसमें किसी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होता है. आप देखें कि फ्यूजन ऑफ गैमेट इज स्ट्रिक्टली अब्सेंट. इट मींस देयर इज नो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, द फीचर्स इज ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन occurs during the process of asexual reproduction. Daughter organisms are genetically identical to their parents, whereas multiplications occur very rapidly. अब कैसे ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अर्थात इनका ऑक्रेंस कहाँ कहाँ है? तो देखें, सामान्यतः लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में, कुछ हायर कैटेगरी के प्लांट में प्रोटोजोन्स, मोनेरंस, प्रोटिस्टंस और कुछ दूसरे लोअर एनिमल्स में, जैसे कुछ स्पॉन्जेज में, सीलेंट्रेट्स में मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. अब सबसे पहले हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फिशन. जो फर्स्ट है वह है फिशन. फिशन क्या है, किसे कहते हैं? तो फिशन इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू आर मोर डॉटर इंडिविजुअल. दैट डॉटर इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स. बाइनरी फिशन इज मेनली फॉलोइंग थ्री टाइप्स. First is the simple binary fission. In this process, division can occur through any plane. For example, in amoeba, where the second binary fission is the transverse binary fission. In this process, the plane of binary fission runs along the transverse axis of the individual of the body. ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द बॉडी, जैसा आप इस फिगर में हम देख सकते हैं, यह अमीबा पेरेंट सेल. प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस एंड प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, इट मीन्स डिवीजन ऑफ द सेल्स दैट प्लेन आकर ट्रांसवर्स मैनर एंड सेल फाइनली डिवाइड इंटू टू डाटा सेल्स. दिस मोड ऑफ
fissions also take place in paramecium, whereas as process of longitudinal, another is the process of longitudinal binary fissions, in which the cells are divided longitudinally into two daughter cells. इस फिगर में आप देखें युग्लिना डिवीजन जो प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है वह उसके साइटोफेरिंग से होते हुए ट्रांसवर्स माइनस अर्थात वर्टिकल माइनस में हो रहा है, जिससे कि होल युग्लिना बॉडी डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशंस. दैट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसवर्स एंड longitudinal binary fissions is the formations of the plane during the division of the cytoplasm. Second is the multiple fission. In multiple fission process, division of parent body into more than two daughter individuals. For example, in paramecium, amoeba, monocystis, etc. इस फिगर में हम देख सकते हैं paramecium. आप सब जानते हैं कि paramecium एक इंडो पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरिया डिजीज ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस करता है, और यह हमारे बॉडी में लीवर सेल और रेड ब्लड कॉर्पसल्स को इन्फेक्ट करता है, जहाँ पर यह मल्टीपल फिशन के द्वारा डिवाइड करता है. यह पैरामीशियम का न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस डिवाइड मल्टी टाइम्स एंड फॉर्म द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, देन ब्रश दियर सेल मेम्ब्रेन एंड कम आउटसाइड टू इन्फेक्ट न्यू सेल्स एज ए एडल्ट बॉडी. आप देखें कि यह मल्टीपल फिशन के द्वारा यह बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें मल्टीपल फिशन की प्रोसेस होती है वह स्पेसिफिक कंडीशंस में. स्पेसिफिक कंडीशंस जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल आप इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन. इन दिस प्रोसेस In this process, during unfavorable conditions, organisms like amoeba and some other protozoans and some other unicellular algae cover themselves with a three-layered covering. That covering is called cyst. हम कहते हैं अनफेवरेबल conditions कैसे? जैसे जानते हैं, generally these unicellular organisms are found इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स फेयर वाटर डज नॉट कंसिस्ट थ्रू आउट द ईयर इन सेम अमाउंट्स. इन एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस ड्राई अप थ्रू, इससे स्केपिंग के लिए, इससे बचने के लिए यह एक सुरक्षात्मक उपाय करते हैं. इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेक्रेट करता है लेयर जो इनको कवर करता है, और इसे हम सिस्ट कहते हैं. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज आल्सो कॉल्ड इनसिस्टेशन. ध्यान दें, सिस्ट के फॉर्मेशन को इनसिस्टेशन कहते हैं. सिस्ट का फॉर्मेशन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान. उस अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम को एक्सपेंड करने के लिए और अपने आप को सुरक्षित बचाए रखने के लिए, क्योंकि यह जो सिस्ट फॉर्म होता है यह हाईली रेसिस्ट होता है अगेंस्ट द टेम्परेचर, कोल्ड, हॉट एंड एसिड्स एक्सेट्रा, इससे यह इनको बचाता है. तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इज कॉल्ड इनसिस्टेशन. व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, इट डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशर्स प्रोसेस विद इन द सिस्ट एंड प्रोड्यूसेस मेनी अमीबी. द सिस्ट ब्रस्ट एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड to develop into adult. This process is called sporulation. Whole process of sporulation we can see in this figure.
देखें, अमीबा, अमीबा के बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ फॉर्म होने वाली ये सिस्ट की लेयर है। देखें, थ्री लेयर ऑफ द सिस्ट दैट आर फॉर्म अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस मल्टीपल टाइम्स एंड फॉर्म द मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देन फॉर्म द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट इज द सिस्ट वॉल एंड ये सीटोपोडियोस्पोर्स दैट कम आउटसाइड। यहाँ यह डीजनरेटिंग अमीबी दैट इज द स्पोर्स सिस्ट एंड ब्रेकिंग ऑफ द सिस्ट रप्चरिंग ऑफ द स्पोर्स एंड कम न्यू अमीबी द होल प्रोसेस ऑफ द स्पोरुलेशन इन दिस फिगर एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बडिंग। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बडिंग। अब बड क्या है, बड हम कहते किसे हैं, ध्यान दें, द फॉर्मेशन ऑफ द डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड। अब बड क्या है, इट इज द स्मॉल प्रोजेक्शन दैट आर मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दैट अराइजेज ऑन द पेरेंट्स बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू एग्जाम्पल दैट वी टेक टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। वन, बडिंग इन द ईस्ट। ईस्ट सेल्स एंड आउटग्रोथ ऑकर एट द सर्फेस ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड बड। एंड देन ऑकर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। व्हेन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस completed, one nucleus move to the bud, another nucleus remains to the parent body, then form the bud, and again process of budding revised a number of times to form a series of the buds that are attached at the parent body. In yeast, generally three or four number of the buds that are attached to the parent body after formation, they separated from the parent body and form the adult form of the cell. आप इसमें देख सकते हैं कि ईस्ट में इस प्रकार से बडिंग के थ्रू प्रोसेस होती है। अब सेकेंड बडिंग का एग्जाम्पल हम देखेंगे हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में जहाँ यह बड का जो फॉर्मेशन होता है यह है सेल सरफेस पर मल्टी सेलुलर बड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रा हम सब जानते हैं कि यह सिलेंट्रेट है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, कि हाइड्रा की पेरेंट बॉडी के सरफेस पर एक आउटग्रोथ बनता है जिसको हम बड कहते हैं। यह बड ग्रो करते करते इसके ऊपर टेंटिकल का फॉर्मेशन हो जाता है और जब कंप्लीट फॉर्मेशन बॉडी का हो जाता है फिर यह अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक टिन हाइड्रा यहाँ से रिलीज्ड हो जाती है जो फिर सर्वाइव करती है फ्री रूप से एज ए डॉटर हाइड्रा। और पेरेंट बॉडी ऑफ द हाइड्रा आल्सो एग्जिस्ट इन द नेचर। तो प्रोसेस ऑफ बडिंग यह आपने देखा कि दो प्रकार की होती है, एक ईस्ट में जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स है और दूसरा है हाइड्रा में। थर्ड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द अगला एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस में पेरेंट बॉडी ब्रेक हो जाती है किसी भी रीजन से, चाहे वह मैकेनिकल इंजरी द्वारा या स्ट्रीमिंग के थ्रू किसी भी द्वारा जो पेरेंट बॉडी ब्रेक हो जाती है एक से अधिक फ्रेग पीसेस में और प्रत्येक पीसेस ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल। दिस मेथड इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। सामान्यतः इस मोड द्वारा जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वह स्पॉन्जेज में, सिलेंट्रेट में, स्टारफिश में पाई जाती है।
इसके अलावा प्लांट्स में भी लोअर कैटेगरी के प्रॉन्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, फंजाई में भी और टेडोफाइट्स में भी इस मोड के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। हम इसे एल्गी हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को स्पायरोगायरा में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दैट इज द फिलामेंट ऑफ द स्पायरोगायरा दैट ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स। ईच फ्रेगमेंट डेवलप न्यू स्पायरोगायरल फ्रेगमेंट फॉर्म, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द स्पोर फॉर्मेशन। ध्यान दें, स्पोर दो प्रकार के बनते हैं, एक एसेक्सुअल स्पोर और दूसरा सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे एसेक्सुअल स्पोर्स के। दी टाइप्स ऑफ द स्पोर्स आर आल्सो नोन एज द माइटो स्पोर्स आर एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स। अब माइटो स्पोर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाई माइटोसिस सेल डिवीजन। ए बनते कब हैं? फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस टू ओवरकम दैट स्ट्रेस। स्पोर्स फॉर्मेशन इज मेनली फाउंड इन लोअर फंजाई। सबसे अधिक स्पोर फॉर्मेशन फंगस में होता है। स्पोर्स फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉमन इन अनदर काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक सम मेंबर ऑफ द मोनेरंस, प्रोटिस्ट एंड एलगी। मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द स्पोर दैट आर स्टडी इन दिस क्लास। फर्स्ट इज द जू स्पोर्स, लाइक दियर नेम जू मीन्स एनिमल लाइक, मीन्स मोटाइल एंड स्पोर्स। दीज स्पोर्स बियर्स लोकोमोटरी ऑर्गेन दैट इज द फ्लैजिना, वन आर टू इन नंबर्स, दैट प्रोड्यूस्ड ऑन दियर एंटीरियर साइड आर पास्टीरियर साइड। दे आर मोटाइल स्पोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लैजिला। फ्लैजिला हेल्प टू स्विम इन एक्वाटिक हैबिटेट फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सबसे अधिक जू स्पोर हम क्लेमाइडोमोनास, हम जैसा कि क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर का फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि ये देखो पेरेंट बॉडी है जिसके अंदर कई स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है और इसमें मोटरी ऑर्गन फ्लैजिला पाया जा रहा है। तो जू स्पोर का जू स्पोर मेथड से किसमें रिप्रोडक्शन होता है? क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, एल्बिगो एक्सेट्रा। इसमें से क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स ये एल्गी हैं जबकि एल्बिगो यह फंगस है। दूसरा जो स्पोर फॉर्मेशन का मेथड्स है वह है कोनिडिया। कोनिडिया ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। कोनिडिया यह एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है बॉडी सरफेस पर। कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द कॉन्स्ट्रिक्शंस एट द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफल ब्रांचेज ऑफ द फंगस। दैट स्पेशल हाइफल ब्रांच इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज कॉल्ड स्पोरोजिनेसिस। फॉर एग्जाम्पल इन पेनिसिलियम हम इस फिगर में देख सकते हैं, दैट इज द पेनिसिलियम स्पेशल ब्रांच ऑफ द हाइफी दैट इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडियम आर स्पोर्स दैट आर फॉर्म्ड एक्सोजेनसली बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ टिप ऑफ दैट स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया आर आल्सो फॉर्म्ड इन सीरीज एट द टिप ऑफ द ब्रांच बट विदाउट एनी काइंड्स ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक फ्लैजिला एक्सेट्रा। देयरफोर कोनिडिया इज नॉन मोटाइल एंड डिस्पर्स विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मीन्स। स्पोर फॉर्मेशन अगले टाइप्स का जो स्पोर्स है दैट इज द जीम्यूल्स। जीम्यूल्स क्या है?
ए मास ऑफ द सेल्स, मास ऑफ सेल्स मीन इट इज द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट आर इनक्लोज्ड विद इन ए कॉमन ओपेक इनवेलप अंडर द बॉडी सरफेस एंड रिलीज्ड मेनली इट इज फाउंड इन स्पॉन्जेज इन ऑल फ्रेश वाटर एंड फ्यू मेरेन स्पॉन्जेज जीबीओल्स आर इंटरनल बड आर फॉर जीम्यूल्स ये जीब्यूल्स है दैट देखे माउथ ऑफ द ओपेक इनक्लोजिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल ये आउटर कवरिंग इनर कवरिंग एंड यह आर्कियोसाइट्स दैट आर द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट इज द जीम्यूल्स इन नेक्स्ट पार्ट वी स्टडी अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन that generally that are occur in higher plants